हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सलूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहाँ आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर कर सकते हो और उससे रिलेटेड जो भी सलूशन होगा मैं सभी बच्चों तक रखने की कोशिश करूंगा। जैसे कि काफ़ी लंबे टाइम के बाद आज मैंने आप लोगों के लिए वीडियो लाए हैं और इससे रिलेटेड काफ़ी पहले जैसे काफ़ी क्वेश्चन एग्जिट एग्जामिनेशन को लेके, काफ़ी बच्चों के बीच में स्पेशल एग्जाम को लेके, काफ़ी स्टूडेंट के बीच में जो सर हमारे जो है सेमेस्टर एग्जाम पेपर लेवल आपको पता ही होगा, फिर पासिंग मार्क्स को लेके, एग्जाम रिजल्ट कैसा रहेगा, स्पेशल एग्जाम चांसेस को लेके, मैं आप लोगों को आज जैसे हरियाणा लीड को लेके ये एक नोटिफिकेशन जो है काफ़ी बच्चों के रेगुलर मैसेज आते थे जो सर हरियाणा लीड के बारे में बताइए, और एक बेटा डी फार्मेसी वाले एग्जिट एग्जामिनेशन को लेके, ये सबसे मेन टॉपिक है जो आप लोगों को मुझे बताने हैं। और इससे रिलेटेड जैसे सेमेस्टर एग्जाम का कैसा रहा या सर पासिंग मार्क्स कितने, जैसे 150 नंबर वाले का पासिंग मार्क्स का, ये सारा अपडेट मैं आज आप लोगों को दूंगा। और इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो आप पक्का इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर अपडेट आप लोग जाके देख लीजिए। प्रीवियस जितने भी अपडेट है मैं सभी बच्चों को और बिल्कुल रियल अपडेट, कोई भी अपडेट ऐसा नहीं होगा जो फेक है। रही बात हरियाणा लीड को लेके या एग्जिट एग्जामिनेशन को लेके, आज मैं आप लोगों को क्लियर बता दूंगा इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, कैसा होगा और क्या नहीं है, सारा कुछ आज आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा। और इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट हमारे सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं आप लोग बेटा अभी थोड़ा, जो भी जैसे मान लीजिए जिन भी बच्चों का फर्स्ट ईयर का पेपर हो गया और वो अगर अब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल, अब आप लोगों का क्या है थर्ड सेमेस्टर होगा, तो मैं कह देना चाहता हूँ सिविल इंजीनियरिंग वालों का थर्ड सेमेस्टर का एंड फिफ्थ सेमेस्टर की जो क्लासेज है बेटा 10 तारीख से आप लोगों का स्टार्ट कर दूंगा सिविल वर्ल्ड, जैसा मैं आप लोगों को पहले रेगुलर क्लासेज लेता था और काफी मिनिमम कॉस्ट पे मैं ये दोनों सेमेस्टर की क्लासेज, और आप लोगों का जैसे काफी बच्चों का सर कॉलेज में क्या कब से कॉलेज में क्लासेज स्टार्ट होगा इसको लेके मैं एक अलग वीडियो प्रोवाइड करूंगा। लेकिन जिन भी बच्चों को रेगुलर क्लासेज में ज्वाइन होना है तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है 3 तारीख से एडमिशन हो जाएगा, इसको लेके वीडियो आपको 2 तारीख रात में मिल जाएगा और लास्ट एडमिशन डेट 7 तारीख, मतलब क्या है 3 तारीख से लेके आप लोग 7 या 1 अकॉर्डिंग ऐसे मान लो 10 तारीख के बीच में आप लोग रिजल्ट जो भी एडमिशन है बच्चे करवा सकते हैं। और 12 अगस्त से मैं आप लोगों के क्लासेज स्टार्ट कर दूंगा और जो भी इसके चार्जेस होंगे आप लोग थोड़ा एक्टिव रहिएगा। और मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का तो पेपर दे दिया, आपको पता चल गया होगा जो भाई कॉलेज में कितनी पढ़ाई है, क्या है और क्या नहीं। और जो बच्चे फोर्थ सेमेस्टर के थे जिन्होंने क्लासेज ज्वाइन नहीं किया था और उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, मैंने लास्ट टाइम में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया और आपको पता है मैंने कितने सब्जेक्ट ये किए और कैसा पेपर का लेवल था। तो मैं आप सभी बच्चों से एक ही बात का रिक्वेस्ट करूंगा, जिन भी बच्चों से हो जाए बेटा क्लासेज ज्वाइन कर लेना, आगे कोई प्रेशर की बात, मैं ये नहीं कहता मेरे पास ही क्लास ज्वाइन करो, लेकिन कहीं भी करो लेकिन कर लो बेटा, क्योंकि मैं 1-1.5 महीने पहले एग्जाम से पहले मैं कहता था बेटा अभी आप लोगों ने एचएसबीटी को एचएसबीटी नहीं देखा है, अभी आपने कोरोना का टाइम था, पेपर इजी आते थे, पास होते गए, लेकिन अब आपको पता चल गया होगा एचएसबीटी का क्या लेवल है और आप लोग कहाँ पे हो। इसलिए मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कहीं ना कहीं क्लासेस ज्वाइन कर लेना, क्योंकि नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। अब रही बात जो सर सेमेस्टर एग्जाम पेपर लेवल, बेटा तुम ना एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, या आप लोग मैकेनिकल वाले हो या आप इलेक्ट्रिकल वाले हो या कंप्यूटर साइंस वाले हो या डी फार्मेसी के सभी स्टूडेंट, क्योंकि मैं तो बस सिविल और ये क्लासेस सिर्फ सिविल वाले बच्चों के लिए होगा, याद रखिएगा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नहीं है। तो मेरा कहना है कि आप किसी भी ब्रांचेस का पेपर देख लो, अगर आपने टोटल 6 पेपर दिए तो 6 में से 4 पेपर ऐसा देखा गया जो डिफिकल्ट रहा, आप लोग खुद बताइए, और 2 पेपर 1 से 2 पेपर ऐसे रहे जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, जो मैं काफी टाइम से कहता था बच्चों को लगता है सब तो मजाक कर रहे, काफी बच्चों ने बेटा जब मैंने ये बात 1.5-2 महीने पहले कहा था जो बेटा पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा, तो बच्चे क्या कहते थे, अरे सिविल वर्ल्ड वाला तो बस ऐसे ही कह रहा है क्योंकि उसको तो एडमिशन लेना है, कौन सा तुमने मेरे पास एडमिशन ले लिया मुझे ये बताओ। लेकिन अब जो अब तो कुछ नहीं, अब तो उन्हीं बच्चों का कॉल आता है सर अब बताओ हम क्या करें, अब तो हमारी कंपार्टमेंट आ गई, क्योंकि भाई देखो एग्जाम हॉल में जैसे तुम एग्जाम देके उठोगे तुम्हें पता चल जाता है तुम्हारे कितने नंबर आने हैं, ये बात तो सबको पता है, दिल पे हाथ रख के बताओ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इसलिए बेटा सभी बच्चे अभी से तैयारी में लग जाओ। और रही बात जो सर पेपर का लेवल कैसा है, तो बेटा याद रखना मॉडरेट टू डिफिकल्ट अभी तक के जितने और आगे भी पेपर का लेवल यही रहने वाला है, अब जितने भी आप पेपर दो या नेक्स्ट सेमेस्टर में या अगले साल या उसके अगले साल या उसके अगले साल, पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्टी होगा, इजी पेपर नहीं आने वाला, ठीक है।
नेक्स्ट अपडेट रहा सर पासिंग मार्क्स कितना बेटा। देखो जिन भी बच्चों का 100 नंबर का पेपर है आप लोगों का 35 से 33 नंबर पासिंग है, जिन बच्चों का 60 नंबर का पेपर है जैसे फर्स्ट ईयर वाले का तो बेटा 15 नंबर आप लोगों का पासिंग है, लेकिन ये डिपेंड करता है 15 नंबर तो मिनिमम है। अगर कोई बच्चे ने फर्स्ट और सेकेंड असेसमेंट में अगर उसने मिनिमम 25 ला रखा है तब आप लोगों के लिए 15 है, और अगर आपके ये नंबर जितने कम होते मान लीजिए फर्स्ट और सेकेंड असेसमेंट मिला के किसी बच्चे का 20 आया तो बेटा आपको 60 में से 20 नंबर लाने होंगे, क्यों इन दोनों को मिला के पासिंग नंबर 40। और अगर कोई बच्चा फर्स्ट और सेकेंड असेसमेंट में 25 नंबर ले आता है तो उसको सिर्फ फाइनल में 15 नंबर चाहिए। अब नेक्स्ट अपडेट है सर 150 नंबर का जिन भी बच्चों का जैसे आरसीसी का हमारे पेपर सिविल इंजीनियरिंग वालों बच्चों का रहा तो बेटा इसका पासिंग नंबर सिर्फ 50 नंबर, याद रखना या स्टील हो या आरसीसी हो अगर आपका पेपर 180 नंबर का है तो आपका पासिंग मार्क्स कितना है 50 है। और डी फार्मेसी वाले बच्चों का मिनिमम पासिंग नंबर बेटा 27 है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो 100 नंबर वालों का 33, 60 नंबर वालों का मिनिमम 15, 150 वाले का 50 और 27 वाले का डी फार्मेसी वालों का कितना है 27 नंबर आपका पासिंग है। नेक्स्ट अपडेट है सर एग्जाम रिजल्ट कैसा तो बेटा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं और अभी सुन लो आप लोग, फिर आज से एक महीने बाद रिजल्ट आने वाला है, फिर तुम लोग बोलना सर अब आप बताओ। देखो भाई जिन बच्चों ने मिनिमम 50 नंबर सही करके आए हो तब बेटा उम्मीद रखना कट के 33 से 35 नंबर आएंगे, और जिन बच्चों ने करके ही 40 आया तो बेटा उम्मीद मत रखना जो आपके 33 आ जाएंगे, क्यों वो आपके अकॉर्डिंग 40 के 40 सही है, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उनके अकॉर्डिंग हो सकता है तो घट बढ़ सकता है। तो आपने समझ लो जिन भी बच्चों ने 50 नंबर सही करके आया आप लोग 50 में से 33-35 ले आओगे, और जो 40 वाले बच्चे हो तैयारी कर दो, अपनी तैयारी में लग जाओ, रिजल्ट आने वाला है उसी दिन पता चल जाएगा आप सारे के सारे बच्चे 150 हो 5-6 नंबर से, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट रहा सर एग्जाम रिजल्ट कैसा रहेगा तो मैं क्लियर बता देता हूँ, 50 से ऊपर नंबर का जिन भी बच्चों का सही है वो सबके सब लगभग लगभग क्लियर होने की उम्मीद में हो, और जिन बच्चों ने 50 से कम, अब देखो भी अब होता क्या, अब मैंने कहा 50 नंबर काफी ऐसे बच्चे होंगे सर हमने अटेम्प्ट तो 100 नंबर करके आए और 100 में से पता चला सही 33 नंबर भी नहीं है 40 नंबर भी नहीं, मैं अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपने 100 नंबर में अगर बेटा आपने सही 50 नंबर किया तब आप लोग उम्मीद रखिएगा पासिंग का, अदरवाइज नहीं रखिएगा। इसी अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर वाला है तो बेटा फर्स्ट ईयर वाले बच्चे याद रखना अगर आपने अटेम्प्ट मिनिमम 25 से 30 नंबर का किया है तब आप लोग उम्मीद रखना 15 नंबर 17 नंबर कट के आएंगे, और अगर कोई बच्चा 150 वाला है तो बेटा देखो 150 में से 50 नंबर पासिंग है, ऐसा नहीं है तो 150 में मान लो आपने आरसीसी का पेपर दिया 100 नंबर का आपका थ्योरी 50 नंबर का बेटा आपका ड्राइंग, अगर कोई बच्चा इस 100 नंबर में से सपोज कर लो 80 से नंबर 90 नंबर भी सही करके आता है तो ऐसा नहीं है आप सभी बच्चे पास हो जाओगे 50 नंबर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जो ड्राइंग इज कंपलसरी याद रखना ये बात। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसका डिजाइन में ही महारत थी हो, मैंने काफी ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाया जिन्होंने मैंने इतना अच्छा 100 नंबर का जो पेपर था आरसीसी का मैंने एक दिन पहले आगे बता दिया, आप लोग जाके जो बच्चे काफी देख रहे होंगे क्योंकि लास्ट पेपर था 6 सेमेस्टर वाले बच्चों का, इतना तो हेल्प करना बनता है जो भाई बच्चे मेरे पे इतना भरोसा करते हैं, एक दिन पहले ऐसा गेम प्लान डाला जो सारे पेपर उसी में से थे, तो इसलिए मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ बेटा जिन भी बच्चों को क्लासेस ज्वाइन करना है कर लेना, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा वरना कंपार्टमेंट के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट अपडेट रहा सर स्पेशल एग्जाम चांसेस, बेटा देखो सबसे पहले तो आप लोग समझो स्पेशल एग्जाम होता क्या है, जो भी स्टूडेंट अब की बार 6 सेमेस्टर का पेपर दिए हो तो अगर कोई बच्चे का 6 सेमेस्टर में कंपार्टमेंट आ जाता है तो उनके लिए बोर्ड एक एग्जाम कंडक्ट करवाता ओनली फॉर 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट, उस एग्जाम को हम कहते हैं स्पेशल एग्जाम, ठीक है। और स्पेशल एग्जाम चांसेस में बेटा हो सकता है अबकी बार आपको बोर्ड प्रोवाइड करे, और इसको लेकर मैं एक स्पेशल वीडियो आज आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें सारा डिटेल दूंगा स्पेशल एग्जाम कौन सा बच्चा अप्लाई कर सकता है, इसके चार्जेस कितने होते हैं, मिनिमम कितना सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हो, क्या कब पेपर होगा, कब इसका रिजल्ट आएगा, इसको लेकर मैं स्पेशल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट है सर हरियाणा लीड नोटिफिकेशन, सारे बच्चों को मैं क्लियर कह देता हूं अगर आप लोग मेरी बात का भरोसा करो या ना करो, देखो बेटा याद रखना लीड का जो नोटिफिकेशन है ये नोटिफिकेशन इस वीक में हो सकता है तो मंडे को ट्यूसडे को वेडनेसडे को थर्सडे को मतलब अगले 7 दिन में कभी भी नोटिफिकेशन रिलीज कर सकता है वो, मान लीजिए अभी भी मैं वीडियो डाल रहा हूं 2 घंटे बाद आपको हरियाणा लीड का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम 7 डेज के अंदर आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब नोटिफिकेशन के बीच में हमारे बच्चों के 2 क्वेश्चन आ रहे थे, एक क्वेश्चन तो ये क्या सर हमारे एग्जाम होंगे या क्या सर हमें मेरिट बेस्ड पे हमें कॉलेज मिल जाए
जाएगा। मैं बेटा आप लोगों को दो बातें कह देना चाहता हूँ, जो भी बच्चे सिक्स सेमेस्टर को एडमिशन लेने से पहले अगर आप लोगों ने बीटेक, मान लो बच्चे अगर बोर्ड कह देता है जो परसेंट बेस पे मैं एडमिशन लूंगा, काफी ऐसे महारथी बच्चे मेरे खुद के कॉन्टेक्ट में है जिनसे ये पूछा जाए जो आरसीसी की डेंसिटी कितनी है, पीसीसी की डेंसिटी कितनी है, वो नहीं बता सकते। बुरा मत मानना बेटा, लेकिन उनका क्या कोरोना की वजह से या काफी कुछ की वजह से उनकी 80% है और वो इस उम्मीद में बैठे हैं 80% वाले को 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा अगर ये मेरिट लिस्ट निकालते तब। अब वो इस उम्मीद में है, चलो भाई कम से कम एडमिशन तो हो ही जाएगा, तो वो बच्चे बीटेक में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ना ले। क्यों? आपसे बीटेक नहीं होगा। आप बच्चे देखो बुरा मत मानना, अरे यार तुम्हें एक बात बताओ, कोरोना के टाइम में तुम दो सेमेस्टर अगर प्रमोट हो गए 90-90% वहां ले आए और तुम्हारे थ्योरी में पता चला 33 से 35 नंबर है और तुम इस उम्मीद में बैठे हो डिक्रस्ट मुरथल से तुम बीटेक कर लो, मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? कुछ भी कर लोगे, कुछ नहीं हो सकता। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने मेहनत से बदौलत अगर 75 नंबर भी लाया है, अगर उसको पता है, मैं 100 सभी बच्चों को कह रहा हूँ जो अगर तुम लोग कर सकते हो, अगर तुम्हें बेटा इतनी एलिजिबिलिटी है तभी बेटा आप लोग बीटेक में एडमिशन लीजिएगा, अदरवाइज दूसरे बच्चों का सीट क्यों खराब करोगे? आज खुशी होगा तुम्हारे भी, बुरा मत मानना मेरी बात को, मैं क्लियर कहता हूँ, बुरा ही मान लोगे मेरा क्या करोगे बेटा, मैं रियलिटी बताता हूँ। मान लो तुमने अपने बदौलत कैसे भी परसेंटेज चिटिंग विटिंग करके इधर उधर करके तुम 80% ले आए और तुम बच्चे आज के डेट में तुम भी खुश, अरे भाई साहब डी कृष्ण मुरथल में मेरा एडमिशन हो गया, पेरेंट्स भी खुश, अरे मेरा बेटा डी कृष्ण मुरथल में या एमडीयू में या केयू में पढ़ रहा है, कुछ दिन की खुशी है। अगले सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, पता चले 80 नंबर का पेपर है, 20 नंबर भी नहीं है, क्या कर लोगे भाई तब? देखो बेइज्जती बाद में करवाने से अच्छा पहले अपनी औकात देके पीछे हट जाना, वो ज्यादा बेटर है। बच्चे आगे समझदार आप लोग समझ जाओ। और रही बात जो सर लीड का नोटिफिकेशन आएगा तो क्या मेरिट बेस्ड पे होगा या एग्जाम लिया जाएगा, तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूँ बेटा। देखो टाइम नहीं मिल पाता, मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, वो एक अलग बात है। आपको ये लग रहा होगा सर सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट में 24/7 अवेलेबल हूँ। अब का टाइम नहीं रहा जो हरियाणा लीट में ये पेपर कंडक्ट करवा ले, क्योंकि अगर अभी इन्होंने पेपर कंडक्ट, अब तुम खुद बताओ इन्होंने डी फार्मेसी वाले बच्चों का लिया, क्योंकि 12th का रिजल्ट काफी पहले आ गया। आप लोग जाके देखिए जिन भी बच्चों का हरियाणा लीट से, लीट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल डी फार्मेसी में ऐसा देखा गया जो वो क्या कर रहे हैं आपसे एंट्रेंस एग्जाम लेके कॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरी बातों को गौर से समझना एक एक पॉइंट। अगर बेटा अभी इन्होंने ये नोटिस दिया जो भाई मैं डी फार्मेसी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लीट वालों का भी मैं अगर मेरिट बेस्ड पे एडमिशन लेता हूँ बीटेक में तो बेटर है, अगर अभी ये बोल दे जो भाई अब तुम्हें एग्जाम देना तो मुझे बताओ भाई एडमिशन ये लोग कब तक करवाएंगे, तुम ही लोग मुझे बताओ, तो इसको लेके अगर मुझे कोई भी हेल्प करनी पड़ी मैं आप लोगों के लिए 100% करूंगा बेटा। फेंकने वाली बात यहाँ नहीं होती। आप लोग आज से नहीं शुरुआत से, जब मुझे इतने बड़े बोर्ड के सेक्रेटरी को हिलाते टाइम नहीं लगा तो ये लीड क्या चीज है, बातों को समझो बेटा। तो मैं इसलिए कहता हूँ, मैं बात घमंड से नहीं, मैं बेटा मेहनत से और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से कह रहा हूँ, ठीक है? और मेरी किसी भी बात को बेटा बुरा मत मानना क्योंकि मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अब रियलिटी बताने का मतलब क्या, अभी मैंने लीड को लेके काफी कुछ आपको बताया, काफी बच्चे सर हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हें, रियलिटी बता रहा हूँ। आज के टाइम में बेटा तुमने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग बीटेक के सामने कुछ नहीं है यार, बीटेक का लेवल एक अलग लेवल है। सपोज मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, अब कोई बच्चा है इन्होंने मेरिट लिस्ट पे एडमिशन ले लिया, 80% उसके आगे पता नहीं चिटिंग चैटिंग करके कहीं से कर लिया, अब वो इस उम्मीद में बैठा है डी क्रस्ट मिल जाए, मिल भी जाएगा 100% मिलेगा, अब वहां से पता चले एक पेपर क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो पहले की बेइज्जती से अच्छा पहले साइड हो जाओ, कुछ ज्यादा बेहतर है, क्यों फायदा भाई? एक तुम्हारे वजह से कोई एक अच्छा बच्चा एडमिशन ले लेगा तो उसका फ्यूचर बन जाएगा, तुम कहीं किसी प्राइवेट कॉलेज से कर लेना, जैसे डिप्लोमा निकला वैसे तुम्हारा बीटेक निकल जाएगा, यही रही। अब रही बात सर डी फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन, काफी बच्चे मुझे पीडीएफ भेजते थे सर हमारे पेपर एग्जिट एग्जामिनेशन को लेकर, मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ ये फेक न्यूज है, बात को समझो। मैंने एग्जिट एग्जामिनेशन को लेकर सिर्फ एक वीडियो बनाया, आप लोग जाके चेक कर लो, उस टाइम ऐसा था जो पेपर होने का उम्मीद था, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ अगले 6 से 7 महीने जो बच्चे अब की बार क्लियर हुए आप लोग एग्जिट एग्जामिनेशन तब तक नोटिफिकेशन नहीं देगा, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना हलवा नहीं है, एक दिन का काम नहीं है भाई, काफी बच्चे इंडिया के अंदर, अगर एक स्टेट की बात हो तो बोर्ड कंडक्ट भी करवा ले, ये तो पूरा इंडिया की बात है। तो अभी इसको लेके डिस्कशन चल रहा है, एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आएगा जो भाई किस अकॉर्डिंग पेपर देने, लेकिन याद रखना जो बच्चे 2022 में पास हो रहे हो ये आप लोगों के लिए 100% मैं बता देता हूँ एग्जिट एग्जामिनेशन आपको बिना दिए आपका डी फार्मेसी मिल जाएगा।
आपको। अब इसके बाद का क्या है ये बेटा, अभी मैं इसको लेके कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन अभी आप लोग सेफ जोन में हो। तो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। अभी अगर किसी बच्चों का कोई रहता है तो बेटा आप लोग मेरे तक पहुंचाओ, उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा मैं सभी बच्चों तक देने की कोशिश करूंगा। और मैं फिर बार बच्चे आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर मेरे से कोई बात गलती में निकल गई हो हरियाणा लीड को लेके, तो बच्चे ये मत सोचना सर डिमोटिवेट कर, मैं रियलिटी बता रहा हूं। आज से 2 महीने पहले मैंने ये भी कहा था जो बेटा पेपर का लेवल डिफिकल्ट होगा, तो काफी बच्चे मैसेज क्या करते थे पता, अरे सर तो डिमोटिवेट कर रहे, काफी ऐसे बच्चों ने गालियां भी दी मुझे, अरे तू अपना दुकान चला रहा, उन्हीं बच्चों का इनको क्या लगता है पता है, अरे सर को हमने गाली दिया, सर हमारा चैट डिलीट कर देंगे, उन्हें ये नहीं पता। बेटा 2 साल पुराना स्टूडेंट है अभी भी मेरे फोन लिस्ट में, आप लोगों को चेक करना है, आगे चेक कर लो। और इन बच्चों का सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करो, क्यों करूं भाई, जब तुम्हें ऐसा लग रहा था तुम इस लाइक हो तो मेरी क्या जरूरत है, कर लो पेपर क्लियर। और ये बच्चे सिविल वाले ही थे, मैं नाम नहीं लूंगा, और उन बच्चों के साथ ऐसा मैं कॉल पिक नहीं करता, हजार हजार कॉल आए नहीं कॉल पिक करता हूं। कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो तुम्हारे लिए होगा भाई, जब तुम एक स्टूडेंट होके एक टीचर का रिस्पेक्ट नहीं कर पाते तो तुम क्या अपने पेरेंट्स का करोगे, डेट्स ऑल इन वन वर्ड, ठीक है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं अगर मेरी बातों पर भरोसा हो तो बेटा 100% आगे बढ़ोगे, वरना कुछ नहीं, मेरे को गाली देके कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो कोई बात नहीं, जैसा आपकी मर्जी आप करो। तो चलो स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट वीडियोस के साथ। बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, बाय।